नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक मनोरोगी के हमले से हड़कंप मच गया है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक एक मनोरोगी ने लकड़ी के राफ्टर से यात्रियों पर हमला कर दिया। आरोपी जब अचानक यात्रियों पर हमला करने लगा तो पहले तो किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ है। मनोरोगी द्वारा लकड़ी के राफ्टर हमले में 2 यात्रियों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल है। ये आरोपी प्लेटफॉर्म पर लोगों को मार रहा था। आरोपी का नाम जयराम केवट उत्तर प्रदेश निवासी होने की बात पुलिस द्वारा बताई जा रही है। छानबीन के दौरान आरोपी मनोरोगी होने की बात सामने आ रही है। मृत यात्री की पहचान गणेश कुमार D54 डिंडीगुल तमिलनाडु के रूप में हुई है। दूसरे मृतक यात्री की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बेरहमी से हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो रहा था। हालांकि कर्मचारियों ने आरोपी का रेलवे ट्रैक पर पीछा कर गिरफ्त में ले लिया। एक आरोपी नाम है जयराम केवट याने लाकड़ी पाटी ने जे प्लैटफॉर्म क्रमांक 7 वर प्रवासी अथवा बेगर जे झोपले होते त्यांना मारायला सुरुवात केली। त्याच्या मारहाणीमध्ये 2 प्रवासी मयत झालेले असून 2 जखमी झालेले आहेत। त्यांचा उपचार मेयो हॉस्पिटल येथे सुरू आहे। आरोपी जयराम केवट यास आम्ही अटक केलेली असून प्रथमदर्शनी तो मानसिक रुग्ण असल्याचे लक्षात येत आहे। तरी पुढील तपास सुरू आहे। तो नागपूरचा होता, याबद्दल काही माहिती कळली? आरोपी उत्तर प्रदेशचा होता। सीतापूर आरोपी हा थोड़ा मानसिक रुग्ण वाटत असल्यामुळे त्याबद्दल त्याच्याकडे डिटेल आम्हाला तो सांगून नाही राहिलेला। तरी आम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन त्याच्याकडे विचारपूस करू। इस मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।